मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे? माई स्वीट होम का मैंने रीडिंग करवाई थी, समझाई भी थी और ये वाली क्वेश्चन आंसर भी करवाई थी, है ना? बोली थी कॉपी में करके ले आने के लिए, हैं? उसके बाद आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है? ए, टेक द करेक्ट आंसर, है ना? करेंगे टेक द करेक्ट आंसर। इसमें दो दो ऑप्शन है, जो सही आंसर है उसमें हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर ए का वन क्वेश्चन है ना। वन में क्या लिखा है? वी ऑल लिव इन, ऑल मीन्स हम सब कहाँ रहते हैं? ऑप्शन है हाउस, दूसरा ऑप्शन है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में तो रहते नहीं है, फॉरेस्ट में कौन रहता है बच्चों? वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। हम थोड़ी वाइल्ड एनिमल है ना, हम इंसान है। हम कहाँ रहेंगे? हाउस, घर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हाउस। हाउस में हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, है ना? दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर टू के क्वेश्चन, आवर मदर कुक्स फूड इन द, मैंने समझाई थी हमारा मम्मी कहाँ खाना बनाती है उसको क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन। मम्मी लोग किचन में खाना बनाती है ना, तो हम किचन में लगाएंगे टिक। किचन है सही आंसर। बाथरूम में, बाथरूम नहीं है, बाथरूम में क्या करते हैं? हम नहाते हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन आया? मदर कुक्स फूड, मदर कहाँ खाना बनाती है, तो सही आंसर है किचन। किचन में हम टिक लगाएंगे, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, वी वेलकम आवर गेस्ट इन द, हमारे जो गेस्ट आते हैं हम वेलकम कहाँ करते हैं? स्वागत कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? बेडरूम। बेडरूम में सोते हैं, है ना? तो सही आंसर है ड्राइंग रूम। क्या है? ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में हमारा जो मेहमान आते हैं हम वहाँ बैठाते हैं, है ना? ड्राइंग रूम सही आंसर है। ड्राइंग रूम में टिक लगाएंगे, बेडरूम में नहीं, कुछ नहीं लगाना। आया समझ में बच्चे? तीनों क्वेश्चन हो गया आपका। वी आर लिव इन हाउस, हम घर में रहते हैं, फॉरेस्ट नहीं है, है ना? नंबर टू के क्वेश्चन, आवर मदर कुक्स फूड इन द, मदर कहाँ खाना बनाती है? किचन। किचन सही आंसर है, किचन में टिक लगाएंगे, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, वी वेलकम आवर गेस्ट इन द, गेस्ट जहाँ बैठते हैं, बैठाते हम लोग, स्वागत करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग रूम। ड्रॉइंग रूम में हम मेहमान को बैठाते हैं। ड्रॉइंग रूम सही आंसर है, बेडरूम गलत आंसर है, है ना? सही, ड्रॉइंग रूम में हम टिक लगाएंगे। उसके बाद बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर बी, है ना? मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करेंगे, है ना? ये वन टू थ्री फोर, ये ए बी सी डी, यानी ये भी चार है, ये भी चार है, इसको इससे हम मैचिंग करेंगे। क्या करेंगे? मैचिंग करेंगे, एक को बी के साथ हम मैचिंग करेंगे। अच्छा देखिए बच्चे, ये क्या लिखा है? बेडरूम लिखा है। बेडरूम में हम क्या करते हैं? सोते हैं, रेस्ट करते हैं। ये है बी, स्लीप एंड रेस्ट। बेडरूम में हम सोते हैं और रेस्ट करते हैं, है ना? बेडरूम का हो गया मैचिंग। उसके बाद आएंगे नंबर टू, किचन। किचन में क्या करते हैं? कुक फूड, खाना बनता है, इसी के आंसर है कुक फूड। मम्मी खाना बनाती है किचन में, कुक फूड, है ना? तो किचन का हो गया मैचिंग कुक फूड, है ना? उस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, बाथरूम, है ना? बाथरूम में हम क्या करते हैं? नहाते हैं। यह है टेक बाथ, डी क्या है? टेक बाथ, हम बाथरूम में क्या करते हैं? नहाते हैं, है ना? हो गया थ्री का, बाथरूम का मैचिंग हो गया। बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर फोर, डाइनिंग रूम, है ना? डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ईट मीन्स खाएंगे, खाना, फूड मीन्स खाना, इट मीन्स खाते हैं, हम खाना खाते हैं। डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। हो गया इसका मैचिंग पूरा, हो गया। दोबारा देखिए, फिर दोबारा समझा रहे, आराम से समझना। बेडरूम, बेडरूम का क्या है? स्लीप एंड रेस्ट, हम रेस्ट करते हैं और सोते भी हैं बेडरूम। किचन, किचन में कुक फूड, खाना बनता है। बाथरूम, बाथरूम में हम नहाते हैं, है ना?
अखबार। डाइनिंग रूम, ईट को हम खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं? डाइनिंग रूम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी आज मैंने करवा दी हूँ, आप लोग कॉपी में करना हाँ, या तो बुक में भी कर लेना हाँ, बुक में ही करना सही होगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना, बाकी तो बुक में दे रखा है, कॉपी में नहीं करना, बुक में ही करना। उसके बाद कल मैंने समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है? एक ही साथ हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप छोटे बच्चे हो इसलिए मैंने धीरे धीरे करके करवा रही हूँ, ठीक है? काम करने का साथ साथ बच्चे अच्छा से समझना और याद भी करना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, मैं समझा दूंगी, ठीक है? ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे।